श्री सरस्वतये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सबको खूब खूब बधाई जो आज ये सौभाग्य हमें मिला कि जूना खेड़ापति बालाजी के प्रांगण में हनुमान जी के सामने हम सब यहाँ पर बैठकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और कुछ भजन हम एक साथ गाएंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है। कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जब हम उनकी कोई छोटी सी भी एक सेवा कर लेते हैं तो हमारे सारे रुके हुए काम, कष्ट, रोग सब दूर हो जाते हैं। तो हम आज उन सौभाग्यशाली लोगों में हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आशा करती हूँ एक साथ आप सब पाठ करेंगे और इतना सुंदर यहाँ पर जोधपुर में बैठकर जो मैं पाठ कर रही हूँ उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सारी मेरी बहनें, माताएं कलरफुल वेशभूषा में आप लोग इतनी सुंदर लग रही हैं। ये जोधपुर का ही जो रंग है वो डिफरेंट है, बिल्कुल निराला है। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले गजानन जी को मैं विनती करती हूँ कि यहाँ पर पधारें और हम सब पर खूब आशीर्वाद बरसाएं, और वो पधारें और सभी अपने देवी देवताओं के साथ आएं, अकेले ना आएं। और ये भजन आप सब भी जानते हैं, सब साथ गाइएगा, उसका आनंद देखिए कितना दुगना चौगुना हो जाएगा। घूमतड़ाघर आओ, ये देखिए यही फर्क है कि मैंने तो गाना शुरू भी नहीं किया वहां से आवाज आनी शुरू हो गई। एक बार आप सबके लिए खुद की तालियां बजाए, हम सब यहाँ से बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। घूमतड़ाघर आओ हो मारा प्यारा गजानंद खिल Oh,
की देना हमको प्रेम भक्ति। और गजानन जी से हमने जो विनती की प्रेम भक्ति हम सब में बढ़ती रहे। आइए हनुमान पधारिए कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार मनोज मारुत तुल्य वेगन जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुंदरकांड में प्रवेश करने से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, उसके बाद हम सुंदरकांड में प्रवेश करेंगे। बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतनु बरनि न जाय उभय हरि महादेहि सात प्रदक्षिणि धाय अंगद कहै जाऊं मैं पारा जिय संशय कछु फिरती बारा जामवंत कह तुम सब लायक पठैय किमि सब ही कर नायक कहि रीछ पति सुनो हनुमाना का चुप सा रहे बलवान
ब्रज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणा तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनियतासु गुण राम जासु नाम अगथग वदिक सियावर राम चंद्र भज जय शरण राम जय सिया राम वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि वात जातं नमामि जय सियाराम जय जय जब लगी आ
निर्कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा सियावर रामचंद्र भजते चरण लंका निति
Bye.
सियाराम जय जय सियाराम।
Thank you.
विभीषण आए का।
जय सिया राम।
सगन यह नीति प्रभु बयान जाना वेदे ही हर की प्राम अगजन कही दे जोई जोई सगन जान की होई असगन भयो राम नहीं सोई कला कटक को वरने पारा मर जय वानर भालु अपारा लंगायुध की पान पधारी चले गगन में इच्छा चारी सुनी सकता करी वाणी सभी सुहा
जग जाहि जिता मैं नाही। चले
सियाराम जय जय सियाराम। सादर से ही आगे करी वानर चली जहाँ रघुपति करुणा करे। दूर ही ते देखे द्रोह भ्राता नैना नंद दान के दाता। बहुरी राम छब दाम बिलोकी रहो कटोके एक तक मल रोकी। मुझ प्रलंब जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहो भाग्य मम्मा
लक्ष्मण वचन पास कुल भाती रामा राम जय सिया राम जय
जय सियाराम जय रामा। मछलाई रामा, राम मूड़ मशाका तरसी बढ़ाई
Yeah.
महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जूना खेड़ापति बालाजी की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जयकारा बोल रहे थे, फिर भी एक बार पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए जूना खेड़ापति बालाजी की जय। रामचंद्र की जय। बोलिए जूना खेड़ापति बालाजी की जय। आप सब इतनी अच्छी तरह से बैठे हैं, कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, डिस्टर्ब न हो। हम हनुमान जी का यहाँ जन्मदिन मना रहे हैं तो उत्सव है, एक साथ सभी उत्सव मनाते हैं। कृपया वहां शांति से बैठें और आनंद उठाते हैं। इसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, लेकिन जो हनुमान जी का जन्म दिवस है, एक मन करा एक भजन आपके सामने गाऊं, उसके बाद हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक बार आप सब झूम के हनुमान जी के लिए, ये उत्सव है, हम उत्सव हनुमान चालीसा का हम 11 पाठ करेंगे, उसके बाद महाआरती होगी। तो आज का दिन आप हनुमान जी के लिए ही रखें, घर जाने की जल्दी न करें तो बेहतर है। ये उत्सव बजरंग वाला का है, लाल लंगोटे वाला का, सब प्रेम से मिलकर ला
अपनी अपनी झोलियां सब भर ले जाएंगे। जय बजरंगबली बोलो, जय बजरंगबली।